ओके सो अभी हम लोग देख रहे हैं मार्केट बहुत हरा भरा है, बहुत अच्छा लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को अपना बाइनेंस ओपन करने के बाद में। ओके सो हम लोगों को सबसे पहले क्लिक करना है लेफ्ट हैंड साइड में। ओके तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग क्लिक करेंगे। नोटेशन चालू कर देता हूँ, आप लोगों को दिखता रहेगा उस हिसाब से। ओके तो पहले हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग ने क्लिक करने के बाद में ये पेज ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये क्लिक पेज ओपन होगा। फिर उसके बाद में सब अकाउंट नीचे आपको दिखेगा, ट्विटर के नीचे सब अकाउंट होगा। कोई कोई फोन्स के वर्जन के अंदर यहाँ पर सब अकाउंट नहीं होगा, तो सब अकाउंट्स के लिए आपको उन वर्जन्स में जाना है। तो वापस से आपको यही जाना है, ये एनोनिमस वाले इस वाले यहाँ पे जाना है। यहाँ पर आप जाओगे तो अंदर आपको एक सेटिंग्स मिलेगा और उस सेटिंग में आपको सब अकाउंट मिलेगा। अब इस वर्जन में यहीं पर सब अकाउंट है, बाहर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और बात क्लिक करेंगे हम लोग सब अकाउंट के ऊपर, ठीक है। जैसे सब अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे आप तो आपको ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर कोई सब अकाउंट नहीं है, मैंने सारे आज के लिए डिलीट कर दिया था आपको नया दिखाने के लिए। क्रिएट सब अकाउंट पर आप क्लिक करोगे, क्रिएट विद ईमेल, आप एक ईमेल अपना खुद का डाल के भी और उसके पासवर्ड डाल के भी आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर वापस सब अकाउंट में लॉगिन करने के लिए उस ईमेल को और पासवर्ड को डालना पड़ेगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको आप वर्चुअल ईमेल के साथ में भी जा सकते हो। सो ये है वर्चुअल ईमेल। तो जैसे ही वर्चुअल ईमेल के ऊपर आप क्लिक करोगे, ओके क्रिएट विद वर्चुअल ईमेल, फिर आपको इस सब अकाउंट का एक नाम बनाना होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे AIBN एसेंट एग्जाम्पल मैंने डाला, आप अपना नाम भी डालिए और उसके आगे एसेंट लिख दो, AIBN लिख दो, व्हाटएवर। ओके क्रिएट सब अकाउंट में आपने क्लिक किया, देखिए सब अकाउंट अभी बन चुका है, ठीक है। अब आपको बनानी है API। अब बहुत सारे लोगों एक चीज जो नए हैं उन लोगों को ये चीज भी समझनी है कि सब अकाउंट क्या है और मेन अकाउंट क्या है। एक है आपका मेन अकाउंट, ओके आप अपने मेन अकाउंट में भले आपके मिलियन डॉलर है, $10,00,000 क्यों नहीं है, और आप इस यहाँ पर एसेंट के अंदर सिर्फ 200, 500, $1,000 से ही अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो उतना ही फंड आप इस सब अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो और यहां से आप कर सकते हो ट्रेड की शुरुआत, ठीक है ना। मतलब यहां पर आपकी ट्रेड सिर्फ उन 500 या $1,000 से ही होगी जो आपने यहां पर डाले हुए हैं। लेकिन अभी पहले तो हम लोग बात करेंगे API मैनेजमेंट के अंदर। तो यहां पर क्लिक करोगे आप API मैनेजमेंट में, क्लिक करोगे क्रिएट API के ऊपर, सिस्टम जनरेटेड रखिए, नेक्स्ट करिए। ओके तो कौन से अकाउंट को, तो जो अभी हमने अभी किया है वही अकाउंट, ओके। और इस API की का लेबल दे सकते हो, जैसे एग्जांपल ले लो एसेंट वन, फॉर एन एग्जांपल एसेंट वन लिख दिया, नेक्स्ट किया, ठीक है। तो अभी आपकी यहां पर API बनने के लिए आपको वेरीफाई करना है, आप वेरीफाई कर दो। सो ये पेज आपके पास में आएगा। ये पेज आने के बाद में आपको सावधानी यहां पर क्या बरतनी है, कि सावधानी ये बरतनी है कि ये API की, और API की तो आप बाद में भी देख सकते हो लेकिन सीक्रेट की आप वापस नहीं देख पाओगे। तो आपको यहाँ पर ये आपकी API की और आपकी सीक्रेट की ये दोनों को कॉपी कर लेना है, ओके। अभी तो लेटेस्ट फोन से स्मार्टफोन है तो क्लिपबोर्ड में आ जाता है, लेकिन इनको आप कहीं ईमेल वगैरह में सेव करके रखिए। वैसे ये कोई अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क के सीक्रेट फ्रेजेस है नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वापस दिखता नहीं है, इसके लिए आपको यही इसको कहीं तो सेव कर लीजिए, ओके API की और सीक्रेट की। तो ये अभी यहाँ पर API की और सीक्रेट की बन गई। अभी यहाँ पर आपको जो सेटिंग्स करनी है उसके बारे में ध्यान दीजिए। ऊपर जाएंगे हम लोग, वापस मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो ये जो ऑप्शंस है ये आपके शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट IP एड्रेस करोगे आप, और उसके बाद में अनेबल IP एड्रेस आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा, आपको प्रोडक्ट के अंदर ही दिख जाएंगे, ठीक है ना। और वो दिखने के बाद में आपको वो आप उसको कर सकते हो, मतलब उनको डाल सकते हो। एक मिनट में IP एड्रेस निकाल लेता हूँ। तो ऐसे IPs आपको मिलेंगे यहाँ पे, उसको आप कंफर्म करोगे तो ये IP एड्रेस। अभी IP एड्रेस का क्या है, तो ये जो API आपने बनाई है ना यहाँ पे, ये API आपको, ये API जो है, ये API बेसिकली आपको ओनली सिर्फ इन्हीं IPs के ऊपर ही काम करेगी। ये तीसरी जगह और कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये IP है एसेंट की, एसेंट जहां पर लोड होगा वहां का होगा, जो अभी मैंने डाला है वो तो अलग वाला है, ओके। तो वो अभी क्योंकि सर्वर लाइव नहीं हुआ है, वो लाइव होते ही आपको अंदर ही दिखेगी। तो इसको सेव कर लीजिए, ये सेव कर लोगे आप, वापस से एक बार आप की डालोगे तो ये लोड हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज, ये प्रोसेस अभी समझ में आ चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा API और सीक्रेट की रेडी हो गया। इसको हम लोग डालने वाले हैं कहाँ पे, हम लोग वहां पर डालेंगे हमारे एसेंट के अंदर डालेंगे। चलिए उधर चलते हैं अभी। ओके तो ये रहा आपके सामने एसेंट का डैशबोर्ड। तो ये आपका होम पेज रहा, ओके तो ये होम पेज रहा, एंड देन यहाँ पर डैशबोर्ड में क्लिक करोगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी लॉगिन था, ओके सो यहाँ पे
अब हम लोग फंड भी ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये अब डैशबोर्ड देख लीजिए, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर एक्सचेंजेस हैं, इसकी बाइंडिंग यहाँ से होगी, ठीक है। जैसे अभी आपको बाइनेंस बाइंड करना है तो बाइनेंस की यहाँ पे जाएंगे आप, अपनी पहले API की डालेंगे, ओके। अभी क्योंकि ये मैन्युअली बाइंड किया था मैंने, निकाला था अभी सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैन्युअली बाइंड करके रखा हुआ था, एक सिंगल है ये अभी, अब ये काम अभी चालू है जो यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको इस URL पर मिलेगा, सॉरी इस URL पे मिलेगा, डोमेन के ऊपर ये प्रोडक्ट अभी इंटीग्रेट लोड हो रहा है, ओके, थोड़े टाइम में हो जाए, तो इसको सबमिट कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका बाइंड। अभी होगा नहीं है बाइंड, लेकिन यहाँ पर ये बाइंडिंग प्रोसेस इस हिसाब से। अब आप फंड कैसे अपने बाइंड बात करेंगे आते हैं, चलिए जी, जैसे मैंने बताया अभी आपको, तो ये है आपका अकाउंट, यहाँ पर जाएंगे आप, और यहाँ पर जाएंगे आप एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपका एसेट मैनेजमेंट, यहाँ पर ट्रांसफर इन, तो आपका जो मेन अकाउंट है उस मेन अकाउंट से अभी आप क्या कर सकते हो, 100, 500, 1000 जो भी डॉलर्स, ओके, तो आप यहाँ पर लोड कर सकते हो अपने, समझो USDT डालना है मुझे, USDT में डाल सकता हूँ, अमाउंट डाल सकते हैं और कन्फर्म, तो मतलब क्या है कि ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, तो 100 डॉलर्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर लोड जाएंगे, ओके, जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है ना, ये जैसे यहाँ पर ये IP लिखी हुई है, वैसी IP आपको वहां पर भी, यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगी, ओके, वो IP को आप कॉपी करके अपने बाइनेंस में जाके डाल दीजिए, तो आपका काम हो गया। देखिए इतनी सेटिंग करनी है, ये सेटिंग एक बार आपने कर दी, अपना काम हो गया, ओके, वो अपने एक्सचेंजेस इंटरकनेक्ट एक बार इन दोनों के साथ में हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें सेटिंग्स के अंदर जाके, तो आपको ऑटो ट्रेडिंग है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली ये कंटिन्यूसली 3 अलग अलग स्ट्रेटेजी से ये ट्रेड लेता है, ओके, इमीडिएट, इंटीग्रेट और कन्वर्जेंट, ओके, इमीडिएट का मतलब होता है क्रॉस एक्सचेंज है ये, यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो आर्बिट्राज के अंदर, यहाँ पर सबसे पहला है डायरेक्ट, तो यहाँ पर देखिए जैसे डायरेक्ट है, तो ये अभी क्या कर रहा है, ये AVAX USDT को ट्रेड कर रहा है बाइनेंस और क्रैकेन में, ठीक है ना। देखिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ऑर्डर बुक फॉर्मेट होता है, तो वो ऑर्डर बुक पे जाके वो रुक जाता है, वहां पे प्रॉफिट्स और परसेंटेज नीचे लिखे हुए हैं, जैसे 0.88 लिखा हुआ है उसका, तो सोलाना वाला जो सेकंड वाला अपॉर्चुनिटी उसमें 1.70 लिखा हुआ है, तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस टेंशन नहीं लेना है आपको कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उस रेट के ऊपर जाके ऑर्डर लग जाती है ऑर्डर बुक के अंदर, और जब भी वो टाइम आता है तो वो सेल हो जाती है और प्रॉफिट जो होता है वो आपके पास में रह जाता है बैलेंस। सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको दोनों एक्सचेंज के अंदर करना है, दोनों एक्सचेंज की अपॉर्चुनिटीज, तीनों एक्सचेंज की अपॉर्चुनिटीज अल्टीपल्टी होके लेनी है आपको, तो तीनों एक्सचेंज के ऊपर आप फंड रखो, उतना फास्ट ये पूरा सिस्टम चलेगा। सिंगल एक्सचेंज पे रखोगे तो भी चलेगा, डिपेंड अपने ऊपर, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि एक हम लोग बहुत ही जल्द आप देखोगे कि एक ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन भी शुरू होने वाला है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया हुआ है और कौन आ रहा है top 3 में top 5 में, उसके डिटेल्स अभी मेरे पास में नहीं बताएंगे आपको, वैसे ही हम लोग जरूर देंगे, ओके। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज आपको ऐसी है, अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती रहेगी, अपॉर्चुनिटीज होगी वो टाइम पर, तो उस टाइम पर रियल टाइम में अपॉर्चुनिटीज वहां पर दिखेगी, और अपॉर्चुनिटीज आएगी तो बॉट अपने आप उठा लेगा उस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये जैसे ये सिंपल आर्बिट्राज है, तो यहाँ पर क्या है, VChain USDT है, तो यहाँ पर एक ही सिंगल एक्सचेंज पे है, देखो Binance, ओके, आपको अलग 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 जगह पे फंड अभी नहीं रखने की जरूरत नहीं है इस वाले केस में, ठीक है ना। तो नीचे इसका प्रॉफिट है कितना है, 0.63% का है, ओके। तो ये फटाफट ये ऑर्डर लगता है, जैसे ही रेट आता है उसी टाइम पर वो फटाफट एग्जीक्यूट भी कर देता है, एग्जीक्यूट भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तीन अलग अलग स्ट्रेटेजी से चलती रहेगी, ओके, अपॉर्चुनिटीज आएगी तो ले लेगा। सेटिंग्स में आप सेटिंग भी करके रख सकते हो, तो ये सेटिंग के अंदर आप ऑटो ट्रेडिंग ऑन करके रखिए, ऑटो ट्रेडिंग ऑन करके रख दोगे आप तो, और फंड वहां पर है समझिए 500 डॉलर्स वहां पर अपने डाले हैं, 100 डॉलर का आप सेट करके रख सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड में, आपका एक ही एक्सचेंज है यहाँ पर डालोगे आप बाइनेंस या क्रैकेन या कोई भी एक एक्सचेंज आप डालोगे, उसके ऊपर ये ट्रेड होता होगा, होता रहेगा। तो अमाउंट पर ट्रेड कितना, 50 मिनिमम है, ठीक है ना। तो आप 100 डालिए, तो अगर आपके पास 500 डॉलर्स हैं तो 100 डॉलर के 5 ट्रेड जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगी सॉफ्टवेयर को मिलेगी, एसेंट आपकी ट्रेड वो 100 डॉलर की लगा देगा, उस 100 डॉलर के ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट जैसे नीचे लिखा ही रहता। लेकिन ऑटो में तो चलिए आप तो कहां हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बोट प्रॉफिट लेगा, प्रॉफिट दिखेगा तो ऑर्डर बुक करेगा ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, और जो भी प्रॉफिट रहेगा वो अपने बैक ऑफिस में आता रहेगा, मतलब अपने ही एक्सचेंज में आता रहेगा,
तो देखिए आप सोच के देखिए इस चीज को कि इस मॉडल के अंदर, इस मॉडल को आप सोचिए कि भैया क्यों हम हमारे पैसे, क्यों हम लाखों करोड़ों रुपए लोगों के पास, किसी दूसरे व्यक्ति के पास में हम जाके, दूसरी कंपनी के पास में जाके सरेंडर कर दे, ओके, जबकि पता नहीं है कि वो पैसे, अपना कैपिटल भी हमको वापस आएगा कि नहीं आएगा, प्रॉफिट तो बहुत अगली बात है। तो यहाँ पर आप $1,000 डाल रहे हो, $10,000 रख रहे हो ट्रेड करने के लिए, टोटल पैसा आपका आप ही के पास में, और जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा, व्हाट ऑब्वियसली उतने ज्यादा ट्रेड्स लगेंगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको आएगा। क्योंकि देखिए आपने अगर $100 रखा है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर $100 रखा हुआ है तो ये $100 में देखिए 0.70 / 0.69 है, खैर चलिए अभी तो 0.69% आ रहा है यहाँ पे, तो कितना आएगा 0.71, अभी वो चेंज होता रहता है ना रियल टाइम। तो यहाँ पर आप $10,000 भी डालोगे ना तो भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाइनेंस के अंदर इतना इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम है कंटिन्यूसली, ओके, कि बिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब 30 बिलियन डॉलर का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है वहां पे। तो हमारी तरफ से अगर 1,000 करोड़ का भी ट्रेडिंग वॉल्यूम वहां पर जाता है तो भी उसको उसका कुछ भी नहीं हिल सकता। सो मतलब आप देख रहे हो, सो बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही, मैं बोलता हूँ एकदम ट्रांसपेरेंट, और ये जितने भी ट्रेड यहाँ पर जो लगेंगे ना, यही ट्रेड आपको आपके बाइनेंस के अकाउंट में भी दिखते हैं, आपके उस सब अकाउंट में भी आपको दिखेंगे। आपके पास में टोटल कंट्रोल है आपके फंड का, आप कौन सी, आप ट्रेड कैंसिल करना चाहते हो वही कैंसिल करो, ओके। तो अगर आपने चलती हुई ट्रेड अगर आपने रोक दी या कैंसिल कर दी उसका प्राइस आने से पहले, उसी कंडीशन में आपको वो एक आध डॉलर या 50 सेंट 60 सेंट का वहां पर आपको लॉस दिख सकता है। बाकी कंटिन्यूस सॉफ्टवेयर जो एसेंट जो है ये कंटिन्यूस ट्रेड लगाता जाता है, ट्रेड कंप्लीट हो गई वापस वो पैसे फ्री हो गए, वापस अपॉर्चुनिटी है वापस लगा दे, वेरी सिंपल सर, ओके, वेरी इजी, वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी सिक्योर, आपके फंड के हिसाब से भी और बाकी जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर आप अपने एड्रेसेस को व्हाइट लिस्ट भी करके रख सकते हो, उन एड्रेसेस के अलावा वो कहीं और जगह पे विड्रॉ ही नहीं हो सकता पैसा भी, ठीक है ना। तो मतलब जैसे अभी देखिए मैंने $10,000 की अमाउंट डाली, तो $10,000 का भी वो प्रॉफिट देगा बना के, जो भी व्हाट एवर जो अमाउंट जैसे ऑर्डर लगेगी। कोई कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ये कितना टाइम लगता है इस ऑर्डर को, वो तो भाई रेट आएगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी ना, ओके। तो जैसे अभी आपने रेट, आपने एक रेट मेंशन कर दिया, रेट लगा दिया है, और उस रेट पर आने के बाद में ऑटोमेटिकली वो अपॉर्चुनिटी, मतलब जो भी रेट आया, प्रॉफिट मिला, वो क्लोज हो जाएगी। तो कोई ऑर्डर 15 मिनट में भी क्लोज हो सकती है, कोई 3 घंटे में भी क्लोज हो सकती है। आपकी 5 ऑर्डर लगी हुई है, एग्जाम्पल लीजिए, 3 क्लोज हो गई, वापस $300 फ्री हो गए, वापस नया, ये तो क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम है पूरा, आपको बैठना नहीं है कुछ भी ऑन करके। एक बार ये जो सेटिंग मैंने आपको, ये 5 मिनट की सेटिंग्स दिखाई मैंने अभी, ये 5 मिनट की सेटिंग्स एक बार आप कर दीजिए इसके अंदर, और ऑटोमेटिकली ये काम करता ही रहेगा अपना निरंतर 24/7। तो मेरे ख्याल से एकदम बहुत ही, और बोल सकते हो सरल, सिंपल, और बट ऑब्वियसली अच्छी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर हम लोग छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट हम लोग ये कंटिन्यूसली ये सिस्टम बनाता ही रहता है आपके लिए। AIBN क्या लेता है? AIBN तो एसेंट की प्लेटफॉर्म फीस लेता है सिर्फ आपसे। उस प्लेटफॉर्म फी का मीनिंग क्या है? तो भाई यहाँ पर आपने जो प्लेटफॉर्म के लिए पैसे दिए हैं, आपको जो ये सर्विस मिल रही है, ओके, वहां पर भी ध्यान रखा गया है कि भाई कोई व्यक्ति आज $130 दे रहा है, $129 देता है, तो उसको अभी तो ऑफर है, और ध्यान में रखिए ये ऑफर 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, मंडे ट्यूजडे को खत्म हो जाएगा ये, जैसे ही बाकी के पैकेजेस ओपन हो जाएंगे, ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी 129 में साइन अप किया हुआ है ना, उन्होंने क्यों लिया अभी? रीजन उन लोगों ने इसके लिए लिया क्योंकि उनको, उनके लिए एक ऑफर रखी गई थी, प्री लॉन्च ऑफर थी कि $129 अगर आप अभी बाय करते हो प्री लॉन्च में, तो आपको 260 तक का प्रॉफिट लिमिट मिलेगा, मतलब $260 तक, मतलब आपके पैसे को $130 जो आपने प्लेटफॉर्म फीस दी है, यहाँ पर एसेंट का सब्सक्रिप्शन लिया है, वो आपके $260 तक प्रॉफिट बनाने तक आपका ये बॉट काम करेगा। उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट 200 आपने डबल पैसे बन चुके हैं आपके। अब बस अभी आप उसको रिन्यू करिए या नेक्स्ट पैकेज को, सॉरी आपको अपग्रेड करना है 299 के अंदर, ओके। तो यहाँ पर तो अभी वो जो ऑफर होगी वो 299 से आगे के पैकेजेस के लिए रहेगी, तो वो 129 वालों के लिए नहीं रहेगी। तो ये ध्यान रखिए, 2-3 दिन है हमारे पास में, तो यहाँ पर 129 का पैकेज, क्योंकि प्रोडक्ट अभी आपके सामने ही है और आपके पास में, ये बहुत ही जल्द आप लोग इसको यूज करना अभी सब लोग शुरू कर देंगे, ओके, आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही, ओके। सो ये रहा टोटल अभी आपको, आप जो प्रोडक्ट देख रहे हो, प्रोडक्ट का अपग्रेड, सो मिनिमम $50 से शुरू होता है, मैंने इन सारी चीजों के बारे में बता दिया। यहाँ पर आप, और ये आप मैन्युअली भी लगा सकते हो यहाँ पे ऑर्डर, ओके, मैन्युअली भी लगा सकते हो। मैंने थोड़ी देर पहले ही है ना आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मैंने उसके अंदर से बाइनेंस हटा दिया था, ओके, सो अभी उसके अंदर नहीं है।
लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को इस चीज को, इस बात को आप समझ गए हो कि इसको कैसे करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। एक बार आप इसने आपने इसको सेट कर दिया, ये कंटिन्यूसली आपके लिए 24/7 मनी प्रिंट करता रहेगा, मनी मेकिंग मशीन आपके लिए ये बन जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एसेंट। और हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, मतलब अभी ऑब्वियसली बड़ा ही कुछ कुछ कई सारी चीजें टेक्निकल्स थी इसके अंदर, एंड सो आफ्टर ऑल इसके इसके कुछ बैक डेटेड रिजल्ट्स बहुत सारे लोगों के पास में है, उसके एक्सेल आप लोगों के पास में है, आप लोग देख सकते हो कौन से पेयर्स में कितने कितना प्रॉफिट यहाँ पर इस सिस्टम के द्वारा जनरेट किया गया है ऑलरेडी। सो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इन सिस्टम बना के देता है आप सभी लोगों के लिए। ओके, तो मेरे ख्याल से इस सेशन में मैंने आप लोगों को जो जो चीजें मैं बताना चाहता